दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजार फिर से बंद हो सकते हैं। व्यापारिक संगठन कैट की तरफ से किए गए एक सर्वे में 88% व्यापारियों ने कोरोना के डर से बाजार बंद करने की मांग की। तेजी के साथ बढ़ते आंकड़ों ने राजधानी दिल्ली में खौफ बढ़ा दिया है। दिल्ली के बाजार भी इससे अछूते नहीं हैं। दिल्ली के कई बाजार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली के बाजार एक बार फिर बंद होने जा रहे हैं। इस सवाल पर व्यापारियों की राय लेने के लिए व्यापारिक संगठन कैट ने बाजारों में एक सर्वे कराया। दावा किया गया कि इस सर्वे में 88% से ज्यादा व्यापारियों ने ग्राहकों और व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए हर बाजार को बंद करने के पक्ष में फैसला किया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के LG श्री अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेजा है और उनको इस सारी सिचुएशन के बारे में अवगत कराया है और उनसे मिलने का समय मांगा है। हमारा मानना है कि दिल्ली के बाजारों को बंद करने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और एक बड़ा निर्णय है। इस निर्णय को लेने से पहले सरकार से हमें निश्चित रूप से बात करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम सरकार का सहयोग करके इन दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके। तो कल दिल्ली के व्यापारी इस बारे में निर्णय लेंगे। कैट के सर्वे के मुताबिक 52.8% व्यापारी मानते हैं कि बाजार खुलने से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और 96.6% व्यापारी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित हैं। इस सर्वे की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के LG अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी साझा की गई। मगर बाजारों को बंद करने के सवाल पर व्यापारिक संगठनों में मतभेद भी साफ नजर आए। जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कल इस बात का खंडन किया कि दिल्ली में लॉकडाउन होगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली सरकार दोबारा लॉकडाउन करने के मूड में नहीं है, ना ही इस पे कोई चर्चा हो रही है। तो कल इसी का कारण कल दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े बाजार हैं, कश्मीर गेट है, सदर बाजार है, खान मार्केट है, कनॉट प्लेस, साउथ एक्स, लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, तमाम बड़े बड़े बाजारों के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई और सभी ने कहा कि दोबारा से बाजार बंद नहीं होने चाहिए और दिल्ली की लगभग जितने बड़े बड़े व्यापारिक संगठन हैं कोई भी दोबारा बाजार बंद करने के मूड में नहीं है। बड़ी मुश्किल से व्यापार दोबारा से चालू हुआ है, लॉकडाउन खुला है। तो कोई भी किसी भी तरह की अफवाहों पे मैं तमाम व्यापारियों से निवेदन करूंगा, ध्यान ना दें। दिल्ली में बाजार बंद नहीं होंगे, सुचारू रूप से पहले की तरह मार्केट चलते रहेंगे। दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी बंद के ऊपर में, हम उसका पालन करेंगे। आपको बता दें कि अनलॉक 1 के दौरान दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 36,000 को पार कर चुका है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।